नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोबाइल पर पॉन मार्च में। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास पोको M6 Pro 5G है और यह 8GB 256GB वाला वेरियंट है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से 12,499 में परचेस किया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, क्या फ़ोन लेने लायक है कि नहीं। इसको फ़ोन को साइड में रखते हैं, इसके अंदर वो देख लेते हैं क्या क्या है। एसी इजेक्टर टूल है आप देख सकते हैं, और एक बैक कवर देखने को मिल जाता है इसमें, जिसका क्वालिटी काफ़ी लो क्वालिटी का है। इसको साइड में रखते हैं, और ये चार्जर आप देख सकते हैं 22.5 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, और ये टाइप सी केबल है आप देख सकते हैं, जिसका क्वालिटी काफ़ी थर्ड क्लास है आप देख सकते हैं। एकदम पतला सा वायर है, जिसे क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसको साइड में रख देते हैं। ये रहा हमारा मेन फोन आप देख सकते हैं, इसका पीछे का लुक कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है इसे, और ये फ्लैश लाइट के लिए है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और ये बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.79 इंच का, जो कि गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में देखने को मिलता है। चलिए इसको चालू कर लेते हैं, और यह 5G के साथ में आता है। इसमें हमें 5G के 5 बैंड देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा बैंड नहीं मिलता है 5G के। जैसे अभी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जिसमें 9 बैंड 10 बैंड देखने को मिलता है, इसमें N77 का बैंड मिसिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 5G के लिए। इसमें वो बैंड मिसिंग है। ये फ़ोन चालू हो रहा है आप देख सकते हैं। MI 14 करके लिखा गया आप देख सकते हैं। चलिए सेटअप कर लेते हैं इसको। ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं। इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के साथ में आता है, जो कि काफ़ी बैटरी एफिशिएंस है। इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, मैं फुल पे रखा हूँ फिर भी काफ़ी लो लग रहा है, मतलब इसका ब्राइटनेस बहुत ही कम है। मुझे इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम लगा दोस्तों। अगर आप कड़ी धूप में रहेंगे तो आपको ठीक से विजिबल नहीं होगा ये फ़ोन, इसका ब्राइटनेस ठीक नहीं है फ़ोन का। चलिए कैमरा में एक फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं कैसा है इसका क्वालिटी। ये 1x पे चलिए क्लिक करके देखते हैं। ये रहा इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं, 50 मेगापिक्सल तो नाम बस का है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी किस तरह से आ रहा है। आप इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत किए रहिएगा कि 50 मेगापिक्सल है तो बहुत अच्छा आएगा करके, ये सिर्फ ब्रांड बेवकूफ़ बनाने के लिए बताया गया है आपको कि 50 मेगापिक्सल का है। चलिए एक फ्रंट फोटो भी क्लिक कर कर देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 8 मेगापिक्सल की एक फ़ोटो क्लिक करके देखा है इसमें, जो कि फ़ोटो तो ठीक है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से, डिटेल्स काफ़ी कम है फोटोज़ में, फिर भी ठीक है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से, ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी बैक कैमरा बहुत ही बेकार लगा मुझे दोस्तों। आप देख सकते हैं कलर क्वालिटी भी नहीं है इसमें, कलर भी नहीं है, एकदम फ्लैट सा लग रहा है। फ्रंट कैमरा थोड़ा अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं मेरा फोटो। चलिए एक और फोटो क्लिक करके देखते हैं बैक कैमरा से। मैंने यह फोटो आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल ऑन करके खींचा है, फिर इसमें भी कलर एकदम फेडेड सा लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं इसको 12,000 के रेट में काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।